अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे इपिन नूडल्स। चलिए तैयार करते हैं। यह है आधा टेबल स्पून तेल, इसको अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। इसमें आधी टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, पाव टीस्पून हल्दी, आधी टीस्पून लाल मिर्ची और आधी टीस्पून नमक। नमक हम कम डाल लेंगे पहले से, इसमें इसके मसाले में नमक रहता है। इपिन नूडल्स के मसाले में नमक डाल लेंगे। इन सबको हम तेल में अच्छी तरह से भून लेंगे चमचे को हिलाते हुए। अब हम इसमें एक गिलास पानी डाल लेंगे फुल। जो हमारी कोई इपिन नूडल्स के साथ मसाला आता है वो हम डाल लेंगे। पाँच जो 5 रुपीस वाले इपिन नूडल्स आते हैं उसके मैंने 4 पैकेट लिए हैं, 4 पैकेट। तो हम एक एक करके इसमें डाल लेंगे पानी औरते खुद। अब हम चूल्हे को फुल फ्लेम पर रख लेंगे। इसे इसी तरह हम हिलाते हुए पका लेंगे। अब हम इसे ढककर धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। बीच बीच में हम इसे हिलाते रहेंगे। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम एक बार इसे अच्छी तरह से हिला लेंगे। ये बच्चों को स्नैक्स के बाद स्नैक्स में भी दे सकते हैं। इसमें हम कोथमीर डाल लेंगे ऊपर से। एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारे इपिन नूडल्स बनकर तैयार हैं। हम आपको डिश आउट कर कर बताते हैं। ये देखिए हमारे इपिन नूडल्स बनकर तैयार हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए।